अपने वक्त के मशहूर फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद सिद्दीक पिछले तकरीबन 10 दिनों से लापता है। बता दें, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद सिद्दीक की कोई सुध लेने वाला नहीं है। चाहे वह पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन, किसी ने भी अपने वक्त के नामचीन फुटबॉल प्लेयर के लापता पर कोई सुध नहीं ली है। मोहम्मद सिद्दीकी की पत्नी फरजाना खातून ने बताया कि उनके पति 22 जुलाई को सुबह 10 बजे बोधगया की कालचक्र मैदान के पीछे महारानी रोड में राहुल गेस्ट हाउस के पास स्थित अपने घर से निकले। उसके बाद आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके पति गया में राज ट्रांसपोर्ट में नौकरी करते थे। वह 2018 में रिटायर हो गए थे। फुटबॉल से उन्हें इतना लगाव था कि वह आज भी फुटबॉल मैच देखने चले जाते हैं। परिजनों, समाज के लोगों और फुटबॉल प्रेमियों ने जिला और पुलिस प्रशासन से मोहम्मद सिद्दीक को खोज निकालने की गुहार लगाई है। अब देखना है कि जिला और पुलिस प्रशासन इस नामवर फुटबॉलर को खोज निकालने की कितनी कोशिश करता है। वो जुमा के दिन सुबह में हम लोग सोए हुए थे, तो वो सुबह उठ के अपने से नहाना धोना कर ले चुके थे। तो हम उठे, अलमारी से कपड़ा निकाल रहे थे, तो आवाज़ हमको मिला, तो हम उठ के बैठ गए। तो उठे बैठने के बाद वो हमसे शर्ट मांगी पहनने के लिए, तो हम उनको शर्ट दिए पहनने के लिए। उसके बाद उनको हम शरबत घोरें, शरबत दिए पीने के लिए, वो शरबत भी पिए। और उसके बाद फिर हम उनको बिस्किट वगैरह भी दिए, तो पी खा लिए। उसके फिर हम अपना काम में लग गए बिस्किट दे करके। तो उस पर हम नाश्ता बनाए, नाश्ता बनाने के बाद फिर हम नाश्ता निकाले 9:30 बजे। तो उसके बाद हम लोग मेरे अम्मी आई हुई थी, तो हम अम्मी और ये और हम तीनों मिल के हम लोग नाश्ता किए। उसके बाद वो खड़ा थे बाहर में खड़ा थे, तो हम उनको बोले कि बाहर काहे के लिए खड़ा है, आइए अंदर। तो उन्हें अंदर नहीं आए, और उतने में हम बोल के अंदर किचन में चले। बस यही इतनी सी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है। कभी झगड़ा वगड़ा कुछ ऐसा? कोई झगड़ा नहीं। क्या करते थे वो? वो ट्रांसपोर्ट, राज ट्रांसपोर्ट में उनका ड्यूटी नौकरी था। अच्छा, तो अभी नौकरी था कि खाली? नहीं, 2018 में रिटायर कर गए थे। तो पेंशन वगैरह भी मिलता था? नहीं, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं। तो कुछ ऐसे कुछ टेंशन दिमागी कुछ ऐसे बात घर में निकले कुछ ऐसा बात? कुछ नहीं, मेरे घर में कौन आदमी है, हम लोग 3 बेटा है, 1 बीवी, बस इतने सारा छोड़ा के कोई, हम लोग ज़्यादा आदमी थोड़ी फैमिली है, बड़ा है, छोटा फैमिली थे। बेटे की शादी हो चुकी क्या? हाँ, शादी हो चुकी है, 2 साल शादी हो गया है, एक बच्चा उसका है। बेटे का? 2 बेटे शादी? बेटा की शादी नहीं हुआ, बेटी को। बेटी को? फुटबॉल भी थे, खेल भी करते थे क्या? हाँ, वो फुटबॉलर थे, खेलते थे भी और खिलाते थे भी, सब जगह कहाँ कहाँ बहुत दूर दूर जाते थे खेलने के लिए। मेरे शादी के पहले से यही खेल रहे थे, और शादी के बाद भी खेले हैं। देखिए, ये बड़ा अफसोस की बात है कि पिछला ये जुमे के दिन, आज एक हफ्ता हो गया है, और अब तक उनका कोई भी पता नहीं हुआ है। हमको लगता है प्रशासन की भी थोड़ी ढील हो रही है, प्रशासन थोड़ा सा जागरूक होता, चूँकि इन बच्चों ने सेम डे शाम में FIR करा दिया है, उसके बाद भी इस पर कोई जो कहा जाए कार्रवाई होना, वो कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। और हम समझते हैं कि जहाँ तक खेल की बात है, तो अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे मिडफील्ड के खिलाड़ी थे, जिसे हम पहले ज़माने में हाफ कहते थे, आज मिडफील्ड का खिलाड़ी है। और वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो कभी किसी से, चाहे वो अपने साथियों से हो, टीममेट से हो, टीम मेंबर से हैं, कभी किसी तरह का कोई उलझन नहीं हुआ, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। और आज के वक्त में हमको लगता है कि वैसा खिलाड़ी मिलना मुश्किल है, जितना बढ़िया उनके पैर में पावर था, कि एक पावर अच्छे अच्छे गोलकीपर को बड़ा मात दे देता है, वही चीज़ था उनके अंदर, बहुत अच्छा शूट और एक अच्छे खिलाड़ी जो अपने फॉरवर्ड को बना कर बॉल दिया करते थे। उन्होंने लगातार प्रयास किया, खेल की शुरुआत उन्होंने GFC से की, फिर KFC में खेला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ दिन खेला, फिर राज ट्रांसपोर्ट में, जब उनकी नौकरी परमानेंट हो गई तो राज ट्रांसपोर्ट से खेलते रहे। उन्होंने लगातार गया ज़िला को रिप्रेजेंट किया, और गया ज़िला के साथ साथ उन्होंने अपने डिपार्टमेंटल जो राज ट्रांसपोर्ट है, राज ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंटल ऑल इंडिया हुआ करता था, उसमें उन्होंने खेला। तो वो खेल में कहीं से उनकी कमी नहीं थी, और उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। अब वक्त ये हो गया है कि उनको लोग पहचान नहीं पा रहा,
और उस ज़माने की उनके देख खेल देखने वाला को नज़र पड़ता तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं से हमको लगता है कि उनको ट्रेस करके उनके बाल बच्चों तक, उनकी वाइफ तक पहुंचा देता। तो वैसे लोग के हाथ लगता वो नहीं लग रहे हैं।